नमस्कार, माय मावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम अभी बेला मार्केट के सब यार्ड में मौजूद हैं। अभी इस वक्त हमारा कहने का मतलब यही है कि अगर समझ लो कल से कपास सीसीआई की जो कपास खरीदी है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन वो प्राइवेट जिनिंग में कपास की खरीदी की जा रही है, यानी प्राइवेट जिनिंग में सीसीआई की कपास की खरीदी की जा रही है। अभी इस वक्त गवर्नमेंट के हिसाब से बनाया हुआ जो मार्केट यार्ड है, सब मार्केट यार्ड है, अगर यहाँ से काटा कर ले जाते हैं तो किसानों के साथ में धोखाधड़ी नहीं होती और किसान बेहिचक अपने जो सामान है, अपनी जो कपास है, यानी अपने जो धान्य पदार्थ है, वो बेचकर सुकून से रहता है। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं हो रहा है। इसके पहले जिला कलेक्टर ने भी जिनिंग में कपास खरीदने पर मनाई की थी, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यहाँ सीधा प्राइवेट जिनिंग में कपास की खरीदी की जा रही है। अब सब मार्केट का रहना ये किस काम का है? अगर सब मार्केट का रहना ऐसे बंद और ताले पड़कर रहना है तो फिर ये प्राइवेट जिनिंग का ही काम नज़र आ रहा है, क्योंकि किसानों के हित के लिए, किसानों के फायदे के लिए, किसान धोखे में ना जाए, इसलिए ये ऐसे सब मार्केटें बनाई जाती है। लेकिन सब मार्केटों को लगातार ताला रहने की वजह से प्राइवेट जिनिंग में सीसीआई की खरीदी की जा रही है। दर्शकों, कई यहाँ पर सीधे तौर पर समझाया जा रहा है, सीधे तौर पर दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो अधिकारी है, सब मार्केट यार्ड अधिकारी है, या तो फिर किसानों के हित में जो अधिकारी काम करते हैं, उनकी लापरवाही की वजह से किसान धोखा खाने में मजबूर होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी अलग काटा होता है। अब देखिए, ये काटा सुनसान पड़ा हुआ है, क्योंकि ये काटे पर ही अगर काटा किया जाता है तो किसान भी संतुष्ट होता है कि हमारा माल सरकार के द्वारा, अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। वहाँ पर प्राइवेट जिनिंग में काटा किया जा रहा है, उसमें भी संदेह नज़र आ रहा है। धन्यवाद, और आप बने रहिएगा माय मावली हिंदी समाचार के साथ।